गाइस सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो इसलिए कि इसका ग्रैंड फिनाले बहुत ही करीब आ चुका है और इसीलिए सभी अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी कर रहे हैं ताकि उनका ही फेवरेट कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट बन जाए। वैसे दोस्तों सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 का न्यू वोटिंग रिजल्ट निकल कर आ गया है जो बड़ा ही चौंकाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से आपको बताते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में किस कंटेस्टेंट को कितना वोट मिला है और कौन कौन टॉप 5 से बाहर हैं। तो देखो दोस्तों लेटेस्ट एपिसोड में अबिरबो ने परफॉर्मेंस नहीं दिया था लेकिन उनके लिए वोटिंग लाइंस ओपन किया गया था। पर अब बात करें कि टॉप 9 कंटेस्टेंट में से किसको कितना वोट मिला है तो वोटिंग में नंबर 9 पर हैं क्षितिज सक्सेना जिनको सबसे कम 2% वोट मिला है। उसके बाद नंबर 8 पर हैं देवंश रिया जिनको 4% वोट मिला है और इनका बहुत कम चांस है कि ये फाइनलिस्ट बन पाएंगे लेकिन अगर फाइनलिस्ट बनना है तो इनको और भी ज्यादा वोट लेना होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर हैं लेजल राय जिनको 7% वोट मिला है। उसके बाद नंबर 6 पर हैं मास्टर आर्यन जिनको 9% वोट मिला है। जी हाँ मास्टर आर्यन को वोट काफी मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहा तो ये फाइनलिस्ट जरूर बन जाएंगे। तो वहीं जो वोटिंग में टॉप 5 में हैं यानी कि जो नंबर 5 पर हैं वो हैं पीहू शर्मा जिनको 12% वोट मिला है। जी हाँ पीहू को अच्छा खासा वोट मिल रहा है और इसका कारण है कि अबिरभो के साथ ड्यूट परफॉर्मेंस क्योंकि ऑडियंस को ये ड्यूट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर हैं खुशी नागर जिनको 13% वोट मिला है। उसके बाद नंबर 3 पर हैं अबिरभव जिनको 15% वोट मिला है। जी हाँ अबिरभव को सैटरडे वाले एपिसोड में सबसे ज्यादा वोट मिला था लेकिन संडे वाले एपिसोड में इनको बहुत कम वोट मिला और इसीलिए ये वोटिंग में नंबर 3 पर आ गए हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पर हैं वो हैं अतर बख्शी जिनको 18% वोट मिला है। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है यानी कि जो नंबर 1 पर हैं वो हैं शुभ सूत्रधार जिनको 20% वोट मिला है। जी हाँ शुभ को इस बार सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो कंटेस्टेंट वोटिंग में टॉप 5 से बाहर हैं वो हैं मास्टर आर्यन लेजल राय क्षितिज सक्सेना और देवंश रिया। लेकिन आप सबने लेटेस्ट एपिसोड में किस कंटेस्टेंट को वोट दिया है कमेंट करके आप हमें जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।